श्री कृष्ण कहते हैं हमें हर वक्त अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहिए। कैसे, चलिए जानते हैं। एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था। उसकी मूर्ति की तारीफ भी होती थी। कुछ समय के बाद उसको बेटा हुआ और उसके बेटे ने छोटी सी ही उम्र में मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। पिता अपने बेटे के इस काम से बहुत ही खुश था, पर वो उसकी बनाई हुई मूर्तियों में हमेशा कोई ना कोई कमी निकालता था। बेटा भी पिता की सलाह हमेशा मानता था और अपनी मूर्तियों को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करता था। इस वजह से बेटे की मूर्तियां दिन पे दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनने लगीं। कुछ समय बाद एक ऐसा समय आया कि लोग पिता से भी ज़्यादा बेटे की मूर्तियों की तारीफ़ करने लगे और बेटे की मूर्तियां पिता से ज़्यादा दामों में बिकने लगीं। पिता अभी भी बेटे को उसी प्रकार सलाह देते थे जैसे पहले देते थे। बेटे को अब वो पहले जितना अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वो पिता की सलाह लेकर अपनी मूर्तियों में सुधार लाता था। एक दिन बेटे का सबर ख़त्म हो गया और उसने पिता को बोला कि अगर आपको मेरे से अच्छी मूर्तियां बनानी आती हैं तो क्यों नहीं बनाते हो और मुझे हर बार क्यों सलाह देते हो। यह सुनकर पिता ने बेटे को सलाह देना छोड़ दिया। कुछ समय के बाद अब बेटे की मूर्तियां पहले जितनी दाम में नहीं बिकती थीं और लोगों को ज़्यादा पसंद भी नहीं आती थीं। यह सब देखकर बेटा चिंतित हो गया और अपने पिता के पास गया और कहा, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी मूर्तियां पहले जितनी क्यों नहीं बिक रही हैं। बाप ने ये सब बेटे की बातें बहुत शांति से सुनी। जैसे पिता को पता था कि ये सब होने वाला है, बेटे ने कहा, क्या आपको पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। पिता ने कहा, हाँ मुझे पता था क्योंकि मेरे साथ भी ये सब हो चुका है। पिता ने बेटे को समझाते हुए बोला कि पहले जब भी मैं तुम्हें सलाह देता था तब तुम अपने आप को और बेहतरीन बनाने की कोशिश करते थे। जब हम खुद से संतुष्ट होने लगते हैं, जब तक हम अपने आप से संतुष्ट नहीं होते तब तक ही हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हमें हर वक्त अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण की कही हुई बातों से आप क्या समझे, कमेंट्स करके बताइएगा और लिखिएगा। राधे राधे।